नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल दीवा एक शक्ति में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशी का 9वां अध्याय। जय मां शेरावाली, बोलो साचे दरबार की जय। राजा ने कहा, हे ऋषि राज, अपनी रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ से जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए वास्ते उनके पीछे दौड़े और महाप्रक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों ने चलाए गए हुए बाण को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों को वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने अपने छूशर नामक वाण से निशुंभ की तलवार पर ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भून गए और उसने देवी के मारने के लिए अपनी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसके मुक्के से ही उनको चूर चूर कर डाला। फिर उनसे देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वे फरसात हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपनी प्राक्रमिक भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भरकर मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी आठ बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टकोर का भी अत्यंत धुसर शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर लिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और देशों दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछालकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले से सरे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहे खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने कहा, आकर ज्वालाओं से युक्त एवं अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसको काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंह नाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उनकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसे इससे पहले के शब्द शांत सारे के सारे जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने अपने देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और
अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़क से उसकी गदा को काट डाला। उसके फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विद्रोही हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महाप्राक्रमिक दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ता दहाड़ता कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी भी शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विद्रोही होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बारही के प्रभावों और प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्राक्रमियों को चकनाचूर कर दिया और उनका कचुंबर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री के कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 9वां अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए जय शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जय।